तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगी इसके अंदर तेल, तेल डाल देंगे इसके अंदर। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर राई, जीरा डाल देंगे। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके ले लूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 कटोरे टमाटर डाल दूंगी। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर गाजर, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारा ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा हींग। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसके अंदर जीरा पाउडर। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुकर में मूंग की दाल डाल रखा था बॉईल होने के लिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं मूंग की दाल, छिलके वाले भी हैं और बिना छिलके वाले भी हैं। यहाँ पे इसके अंदर मैंने आधा टमाटर भी डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम पानी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके ले लूंगी। अब मैं मूंग दाल को इस मसाले में डाल देती हूँ, पानी के साथ डाल दूंगी। ये देखिए, आप चाहे तो इसके ऊपर तड़का भी लगा सकते हैं बाद में। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम जब मूंग दाल बॉईल कर रहे थे तब भी मैंने यहाँ पे नमक थोड़ा डाल दिया था, तो इस बार मैं नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। अब मैं इसके अंदर फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल दूंगी। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करके ले लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये बन के रेडी हो चुका है, क्या देख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारी टेस्टी मूंग की दाल बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी बनी है ये। ये देखिए बहुत ही सिंपल था इसे बनाना, कोई भी बना लेगा इसे। देखिए आप यहाँ पे, आप चाहे तो इसे किसी भी रोटी के साथ खा सकते हैं और चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी न्यू रेसिपी के साथ में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ले लीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खाते रहो, मस्त रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।